हेलो एवरीवन आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.19 ऑफ एल डी हाइट कीटोजन कारबॉक्स क्वेश्चन 12.19 में हमें दे रखा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 69.77 परसेंट कार्बन है 11.63 परसेंट हाइड्रोजन है और बाकी हमारा ऑक्सीजन बचा हुआ है इस कंपाउंड का मॉलिकल मास भी दे रखा है विच इज़ एटी और इसके बाद फिर इसके ना ऑब्जर्वेशन दे रखें ये क्या करता है क्या नहीं करता लेकिन कंपाउंड को पहले एनालाइज करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो उसका मॉलिकुलर फॉमूला क्या है सो so, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकलेगा कैसे हमें इसमें बताया कार्बन है सिक्सटी ठीक है हाइड्रोजन हमें बताया इलेवन पॉइंट है और ऑक्सीजन कितना होगा हंड्रेड माइनस सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन सेवन प्लस ट so, है हाइड्रोजन हमारे पास इलेवन पॉइंट सिक्स थ्री है और ऑक्सीजन हमारे पास 18.6 पॉइंट सिक्स है अगर आपको याद होगा कि इलेवेंथ क्लास में हम लोग इम्पेरिकल फॉर्मला निकालते हैं तो हम भी यहाँ पे वही यूज करेंगे एम्पेरिकल फॉमुला निकालेंगे मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास हंड्रेड ग्राम कंपाउंड है अगर मैं हंड्रेड ग्राम कंपाउंड अज्यूम करता हूँ तो कार्बन कितनी हो जाएगी सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन सेवन ग्राम हाइड्रोजन वुड बी एलेवन पॉइंट सिक्स थ्री ग्राम एंड ऑक्सीजन वुड बी एटीन पॉइंट सिक्स ग्राम इतना तो मुझे क्लियर हो गया अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि हमें निकालना है कि इतने ग्राम में कितने आटम्स हैं तो एटम्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉमूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास तो हम लोग कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने सेवन ग्राम डिवाइडेड बाय बाई ग्राम पर मोल ये आ जाएगा फाइव पॉइंट एट वन इसी तरीके से हम लोग हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे हाइड्रोजन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो इलेवन पॉइंट सिक्स थ्री ही आएगा क्योंकि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे वन से तो आप मान के चलो इतना मोल्स आ जाएंगे और फिर ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एटीन पॉइंट सिक्स ग्राम डिवाइडेड बाय सिक्सटीन ग्राम पर मोल वन पॉइंट वन सिक्स मोल्स ठीक है तो आपको पता चल गया कि कार्बन के मोल्स कितने हैं फाइव पॉइंट एट वन हाइड्रोजन के मोल्स कितने एलेवन पॉइंट सिक्स थ्री एंड ऑक्सीजन के मोल कितने वन पॉइंट वन सिक्स अब ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड है उसी के परसेंटेज दे रखिए और उसके परसेंटेज में इतने इतने एटम्स हैं मतलब फाइव पॉइंट एट वन अब मैं क्या करूँगा इसको सिंप्लीफाई करूंगा सिंप्लीफाई कैसे करूंगा अगर मैं वन पॉइंट वन सिक्स से डिवाइड कर दूंगा तो ये वन आ जाएगा तो अब मैं इसको सबको वन पॉइंट वन सिक्स से डिवाइड कर देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए सो so, ये आगे सी फाइव वेस्टर्न ओ और ये हो गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला अब एक बात ध्यान रखना है हो सकता है इसका मल्टीप्लाई टू कर दूँ हो सकता है ये सी टेन एच ट्वेंटी ओ टू हो हमें नहीं पता ना ये एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है तो हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉमूला निकाल लिया तो हम लोग क्या करते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला को ई एफ लिख लेता हूँ इसको एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है मोलिकुलर फॉर्मूला या एम्पेरिकल वेट को इसी पे चलता हूँ एम्पेरिकल वेट को मैं एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा मोलिकुलर वेट तो हमें मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास दे रखा है एट्टी सिक्स ठीक है इसमें एन करते हैं तो एन हमें पता चल जाएगा कि क्या है अब इस कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट निकालने की कोशिश करते हैं मॉलिकुलर वेट क्या होगा फाइव इंटू टेन प्लस ट्वेल्व फाइव सिक्सटी प्लस सेवनटी प्लस तो एटी सिक्स इंटू एन इज इक्वल एन की वैल्यू कितनी है वन है तो मतलब आपको इसमें कोई मल्टीप्लाई करना ही नहीं है ये जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है यही हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला बन जाता है तो सी फाइव एच टेन ओ इज द मॉलिक्युलर फॉर्मूला अब इतना तो हमें एकदम क्लियर हो गया ये मॉलकुलर फॉर्मूला है अब हम लोग इनको देखते हैं कि ये क्या है तो जो कंपाउंड सी फाइव एच टेन ओ है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट इसको ये रिड्यूस नहीं कर पा रहा है मतलब इसके साथ सिल्वर मिरर टेस्ट हो नहीं रहा है तो मतलब ये जो कंपाउंड है इट इज नॉट एल ये हमारा क्लियर हो गया कि ये कंपाउंड एल नहीं है क्योंकि एल तो टॉलेंस टेस्ट देते हैं फिर हमारा सी फाइव एच टेन ओ ये जो सेम कंपाउंड है इट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तो एन ए एच सी ओ थ्री एन एच एस ओ थ्री सॉरी एन ए एच एस ओ थ्री के साथ एडिशन रिएक्शन भी दे रहा है अब ये जो एडिशन रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है मतलब अगर हमारे पास सी डब्लू वन ओ होता है तो इसमें सी ओ एन ए बन जाता है और एसओ थ्री एच यहां पे लग जाता है ठीक है तो ये वाली रिएक्शन दे रहा है तो ये वाली रिएक्शन दे रहा है तो मतलब ये क्या है एक कार्बोनिल कंपाउंड है इससे हमें इन्फेरेंस क्या मिल रहा है इट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड तो ये हमें क्लियर हो गया कि जो कंपाउंड है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है और ये साथ में क्या दे रहा है एक पॉजिटिव आईडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है अब आप देखो कि अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये एल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड नहीं है तो क्या होगा ये ऑब्वियसली कीटोन होगा उसके बाद ये जो C5H10O है ये क्या देता है पॉजिटिव आईडोफॉर्म टेस्ट आईडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं जब हमारा अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है मतलब नेक्स्ट पे एक ग्रुप होता है तो हमें यह भी पता चल गया कि या तो एल्डिहाइड है किटोन है एलडीहाइड हो नहीं सकता किटोन है तो किटोन जो है ना उसमें ग्रुप है हमारे पास CO -CH3। ये हमें यहां पे ले ले और इसके साथ विग्रेस ऑक्सीडेशन पे ये देता है सी ओ ओ एच प्लस प्रोपेनोइ भी देता है अब हम नंबर ऑफ कार्बन के नी फोर फाइव तो सी फाइव तो ठीक है तो मतलब ये क्या है कि डेफिनेटली कीटोन है अब किटोन कैसा हो सकता है सी ओ सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री भी हो सकता है क्योंकि अगर ये इधर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये क्या देगा इथेनोइक एसिड और यहाँ से दे देगा प्रोपेनोइक एसिड अगर ये इधर से हो जाता तो ये क्या दे देता ब्यूटेनोइक एसिड और मेथेनोइक एसिड बट वो तो हमें मिला नहीं है ठीक है और दूसरा ऑप्शन क्या है कि जरूरी नहीं कि यहाँ से इधर से भी तो हो सकता है ये हो सकता है सी एच टू इधर हो सी एच टू सी वन हो तो अगर ये बीच में होगा तो ये यह यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से मिलेगा प्रोपोनोइक एसिड यहाँ से मिलेगा इथेनोइक गा, एसिड तो मिल तो हमें दो हो सकते हैं तो हमारे पास ओवरऑल दो कीटोन हो सकते हैं या तो ये ये हो सकता है सी एस थ्री सी एच टू सी ओ सी एच टू सी थ्री और सी एस थ्री सी ओ सी टू सी एच टू सी थ्री क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडेशन पे ये दोनों कंपाउंड देंगे इथेनोइक एसिड देगा और प्रोपोनोइक एसिड देगा फिर हमें यहाँ पे देखने को आ रहा है कि इससे पहले वाले आइडोफाम टेस्ट दिया था तो जिसमें हमें पता है कि सी ओ के साथ एक सी एच थ्री रूप लगा होना चाहिए अब सी ओ के साथ सी एच थ्री तो इस वाले में लगा हुआ इस वाले में तो लगा नहीं तो ये कंपाउंड नहीं हो सकता क्योंकि ये आइडोफाम टेस्ट देगा ये आइडोफाम टेस्ट दे ही नहीं सकता सो तो हमें ओवरऑल कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही पता चल गया पेंटेन टू और सेकेंड रिएक्शन है एन ए एच सी ओ थ्री की तो हम लोग एन ए एच सी एच थ्री की रिएक्शन कर लेते हैं तो ये होगी हमारी एन एच सी ओ थ्री वाली दूसरी है हमारी आइडो फॉर्म रिएक्शन इसमें हम लोग डालते हैं आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एच और ये बना रहता है सोडियम हाइपो इससे क्या मिलता है हमें सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ नेगेटिव प्लस सी एच आई थ्री आइडो फॉर्म विच इज विच हैज येलो कलर येलो पीपीटी हो जाता है लास्ट रिएक्शन है हमारा विग्रेस ऑक्सीडेशन, एल्कलाइन के मैन ओ फोर और इसे हीट करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा हमें मिलेगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस इधर से चलते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू तो हमें मिलेगा सी एच थ्री सी एच टू लास्ट वाला भी सी ओ ओ एच वैसे सी ओ के मिलेंगे और उसको हाइड्रोलाइज करने के बाद सी ओ एच बन जाएगा सो so, ओवरऑल हमें पता चल गया कि माउंट पेंटेन टू ओ है और इसकी तीनों रिएक्शन हम भी हम लोगों ने करके दिखा दी